गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सब लोग जो है इंग्लिश में पोइट्री पढ़ेंगे। पोइट्री में द वॉइस ऑफ द रेन, जो वॉइस ऑफ द रेन इज कंपोज बाय वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन वाज द वेल नोन पोइट ऑफ द टाइम एंड ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ पोएम्स एंड दिस पोएम इज ऑल्सो द फैक्ट एंड इमेजरी डायलॉग फॉर्म। इट टच द लाइफ स्टोरी ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स कैन ट्रांसफॉर्म शेप्स ऑफ वाटर, दे कैन नॉट बी टच बट आर द सेवियर्स ऑफ द नेचर। द वाटर मूव्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर, इट टर्न्स इनटू द लाइट वेपर, मूव्स अपवर्ड एंड वंडर्स इन द स्काई एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स रिवर्सली। द पोएट आज द क्वेश्चन एंड द रेन टेल्स हिम ऑल अबाउट द वर्क एंड इन इट मीन्स इन दिस चैप्टर द पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द रेन एंड द रेन इज गिविंग द आंसर एंड आफ्टर वन क्वेश्चन एंड देर आर सो मेनी क्वेश्चन आस्क्ड बाई द पोएट एंड द आंसर इज गिवन बाई द रेन। The poet casually asks the gentleman who he sees. Surprisingly, the rain answers the question in detail that human voice. The poet translates the statement of the rain into English. The rain says that she is the son of the earth, which is her birthplace and her mother. She is born out of the water bodies on the land and she washed the sea. In the form of vapor, she rises and she walks here and there. इट मीन्स कवि जो है ये वर्षा को देखते हैं तो बारिश को देख करके उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो, और बारिश जो है तरह तरह के स्टेटमेंट से अपना आंसर देती रहती है। देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एंड हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी आकाश से पृथ्वी पर फुहार के रूप में गिरती हुई बूंदों से, फुहार के रूप में गिरती हुई बारिश की बूंदों से कवि ने पूछा हु आर्ट थाउ, यानी तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, कहते हैं आपको ये सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा लेकिन उसने मुझे उत्तर दिया। आइज हेयर ट्रांसलेटेड, और मैंने उस उत्तर को यहाँ ट्रांसलेट करके लिखा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, उन्होंने कहा, बारिश ने क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की एक कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसी बारिश की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज, इटर्नल माने निरंतर, मैं उठती रहती हूँ। इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और मैं क्या करती हूँ। इम्पैलेबल माने होता है कि जिसका जो है जिसको स्पर्श ना किया जा सके, है ना। तो कहती इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं अस्पृश्य होकर के इस जमीन पर और फिर इसके बाद उस समुद्र में जाकर के मिल जाती हूँ। अपवर्ड टू हीवन, इसके बाद अपवर्ड टू हीवन यानी ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ से मैं नीचे आती हूँ। वेंस बैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जब मैं बैगली माने अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ। चेंज एंड एट द सेम, ये मेरी प्रक्रिया होती है। आई डिसेंड टू लैव द ड्रॉट्स, और कहती हैं मैं उतरती हूँ। लैव माने होता है स्नान करना, मैं जब ऊपर से नीचे उतरती हूँ तो बूंदों के रूप में मैं स्नान करती हूँ। एटोमीज, एटोमीज माने होता है सूक्ष्म कण, जो सूक्ष्म कण होते हैं वो जो है मेरे साथ इधर उधर चले आते हैं। डस्ट लेयर्स, और इतना ही नहीं जो धूल की परतें हैं वो भी मेरे साथ बह जाती हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट एंड वॉर्म, और कहती है बारिश कहती है कि मेरे बिना जो है कोई भी चीज़ पृथ्वी की संभव नहीं है। इन डैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट, केवल
यानी अगर बीज है तो बीज भी अनुबॉर्न रह जाएगा, बीज कोई उगा नहीं सकेगा जब तक कि बारिश नहीं होगी। आई एम फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और मैं निरंतर रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू मी माई ओरिजिन ओन ओरिजिन, और मैं रात दिन चलते हुए एक नया जीवन ग्रहण करती हूँ। आई एम मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, उसे प्योर बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। फार सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, और मैं अपने बर्थ प्लेस से गीत भी गाती हूँ। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, इधर उधर घूमने के बाद, रेकेड आवर अनरेपेटिवली विथ लव रिटर्न, और इस तरह से वह जो है बहुत ही प्यार के साथ जो है ध्यान दे करके पुनः वापस आ जाती है। यानी वो अपने जीवन चक्र को बताती है कि जैसे जो वाटर वेपर होता है, जब गर्मी होती है तो वाटर वेपर जो है क्लाउड बनाता है, क्लाउड से पानी फिर नीचे आ जाता है, और फिर जब पानी समुद्र में नीचे रहता है, गर्मी बनती है तो वो जो पानी होता है वो भाप बन करके फिर बादल बनाएगा और फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से बारिश की प्रक्रिया चलती रहती है, और रेन जो है अपने इस नए नए फॉर्म में आकर के इस पृथ्वी को सजाती रहती है। तो इस तरह से जो रेन है वो कवि को अपना उत्तर दे रही है, उनको समझा रही है कि मैं प्रतिदिन हर बार नया जीवन लेकर के इस पृथ्वी पर विचरण करती हूँ, और बार बार मैं जन्म लेने की प्रक्रिया को ग्रहण करती हूँ। तो बच्चों, ये चैप्टर आज पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इसको आप देखेंगे इस चैप्टर में आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम लोग कल से उतना एक बार पढ़ेंगे, दवाई साफ करें। आप देख रहे हैं कि कविता जो है बारिश की आवाज़ है, बारिश जैसे ऊपर से जब नीचे गिरती है पृथ्वी पर तो जो आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुन करके कभी कहते हैं कि तुम कौन हो, और बारिश जो है वो एक ह्यूमन बींग्स की आवाज़ में उनको रिप्लाई करती है, कहती है कि मैं तो तुम क्या हूँ, वॉइस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की एक आवाज़ हूँ, इस पृथ्वी की पोएम ऑफ द अर्थ, एक कविता हूँ। जैसे लोग कविता पढ़ते हैं तो लय के साथ गाते हैं, उसी तरह से जब बारिश होती है तो उसकी भी आवाज़ आती है, तो बारिश कहती है कि मैं पोएम हूँ इस पृथ्वी की, और फिर कहती है मैं इटर्नल हूँ, मैं एवर लास्टिंग हूँ, हमेशा चलती रहती हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि बारिश होती है, बारिश से पानी, पानी से फिर बादल, फिर पानी, बारिश मतलब यही प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। जैसे पानी जब गर्म होगा तो हीट करके वो वाटर वेपर के रूप में क्लाउड को फॉर्म करता है, और जब क्लाउड को फॉर्म कर देता है तो वो रेन के रूप में नीचे आ जाता है, और फिर इसी तरह से रेन जो है सी में जाकर मिलती है, और सी से फिर जो वाटर वेपर रेन होकर के फिर वो क्लाउड को फॉर्म करता है। तो कहती है कि इस तरह से मैं अपने आप को प्योर और ब्यूटीफाई करके इस पृथ्वी पर बार बार आती रहती हूँ, और अपने मधुर गीत को गाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही जो है बार बार आना और जाना। तो इस तरह से रेन जो है कवि को अपने आंसर से सेटिस्फाई करती है। तो चिल्ड्रेन, हम सभी लोगों ने वॉइस ऑफ द रेन जैसे पोएम को पढ़ा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से दोहराइएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।